नमस्कार, खबर पहाड़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, खबर दिल्ली से है। उत्तराखंड के बीजेपी सांसदों की बैठक खत्म हो गई है। उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम ने यह बैठक ली है। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक के आवास पर बैठक हुई। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, नरेश बंसल भी इसमें मौजूद रहे। कमलेश सैनी, अजय टमटा भी बैठक में मौजूद रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और तीरथ रावत भी मौजूद रहे। तो दिल्ली में बीजेपी सांसदों की बैठक खत्म हो गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, तीरथ रावत भी इस बैठक में मौजूद रहे। देखिए, सांसद गणों के साथ लोकसभा से पहले, ये हर वर्ष जब पार्लियामेंट शुरू होता है तो हमारी बैठकें होती हैं। हमारे राज्य के अनेक विषय होते हैं जिन विषयों को पार्लियामेंट के अंदर उठाया जाए, इस विषय को लेकर कार्य सदन में सुझाव विषय पर चर्चा हुई है। इसके साथ साथ G20 में दो स्थान हमको उत्तराखंड में मिले, ऋषि क्षेत्र मुनि के लिए वो कार्यक्रम भव्यता का स्वरूप लें। उस दृष्टि से हमारे सांसद गणों के प्रवास, हमारे विधायक गणों के सारे विषय पर चर्चा हुई है। इसके साथ साथ बूथ प्रबंधन, क्योंकि आगामी दिनों हमारे यहाँ नगर पालिका नगर निगम चुनाव होने हैं और जो बूथ हम कभी जीतते हैं कभी हारते हैं, ऐसे बूथों को स्थायी रूप से जीत में बदला जाए। और इसी खबर पर दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता स्वाति पाठक जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। स्वाति, क्या जानकारी सामने आ रही है? जो बैठक है वो खत्म हो गई है, क्या कुछ चर्चा हुई है इस बैठक में? जी बिल्कुल शांतनु, देखिए करीब दो घंटे तक जो है उत्तराखंड सांसदों की बैठक चली है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। प्रभारी उत्तराखंड के बीजेपी के, जिन्होंने ये बैठक बुलाई थी, दुष्यंत गौतम ने, और तमाम सांसद बैठक में मौजूद रहे। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से जो बयान उन्होंने मीडिया से बातचीत की है, उस दौरान उन्होंने कहा है की बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई है। निकाय चुनाव चूंकि उत्तराखंड में होना है, उसकी तैयारियों को लेकर सभी सांसदों की ड्यूटी लगाई जाएगी, उसको लेकर चर्चा बैठक में की गई है। G20 को लेकर जो है चर्चा बैठक में की गई है, चूंकि दो कार्यक्रम उत्तराखंड में होने हैं, ऋषिकेश और मुनि रेत में, जिसको लेकर, जिसकी तैयारियों को लेकर बैठक में चर्चा की गई है। और इसके साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण है, सरकार और संगठन के समन्वय को लेकर, किस तरह से और बेहतर हो सके, उसको लेकर भी बैठक में चर्चा की गई है। और सीधे तौर पर जो है वो 2024 को लेकर भी मंथन किया गया है, यानी फोकस जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का 2024 है, को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बैठक में मौजूद रहे और तमाम सांसद भी इस बैठक में मौजूद रहे, जो दिल्ली में आयोजित की गई थी। सांसद है रमेश पोखरियाल, उनके आवास पर ये बैठक की गई। चूंकि निकाय चुनाव देखिए होने वाले हैं, निकाय चुनाव को लेकर भी कहा जा रहा है कि इस बैठक में चर्चा हुई है। निकाय चुनाव में किस तरह से जो पार्टी है वो अपने प्रत्याशी उतारेगी, किस तरह से उनका चुनाव किया जाएगा, इसको लेकर भी क्या चर्चा हुई इस पूरी बैठक में? जी बिल्कुल, देखिए निकाय चुनाव को लेकर चर्चा बैठक में की गई है और किस तरह से सांसदों की ड्यूटी लगाई जानी है निकाय चुनाव के दौरान, उसको लेकर चर्चा इस बैठक में की गई है। क्योंकि जो भी चुनाव होने हैं, चाहे लोकसभा चुनाव की बात करते हैं जो 2024 में होना है, उसको लेकर भी चर्चा की गई है। जो तमाम सांसद वहां पर मौजूद थे, तो किस तरह से अपने अपने संसदीय क्षेत्र में सांसद काम करे, इसको लेकर चर्चा की गई है। जो केंद्र की योजनाएं हैं उसको किस तरह से प्रचारित किया जनता तक, उसको लेकर चर्चा की गई। यानी कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि 2024 को लेकर चर्चा इस बैठक में की गई है, निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की गई है, इसके साथ ही जो G20 के कार्यक्रम दो उत्तराखंड में होने हैं उसको लेकर चर्चा की गई है, और सरकार संगठन जो समन्वय है वो किस तरह से आगे बेहतर हो सके, उसको लेकर भी चर्चा इस बैठक में की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम ने बैठक ली है और ये बैठक खत्म हो गई है। दिल्ली से अहम जानकारी सामने आ रही है। आगे बढ़ते हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत का कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि